नमस्कार दोस्तों, आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना इसी तरह मौसम का ताजा हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपने राज्य, जिला, गांव के ताजा मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में अपने राज्य, जिले, गाँव का नाम जरूर लिखे। दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 और 39 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है। ओडिशा के उत्तरी तट और गंगा, पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी व बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के तापमान में अगले कुछ दिनों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि IMD ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व NCR में सुबह से ही धुंध दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रह सकता है। वहीं अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की भी संभावना है। उत्तराखंड के हिमालयी जिलों के लिए अगले कुछ दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं। यहां तापमान बढ़ने की वजह से बर्फबारी पिघलेगी, जिसका असर हिमस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी करते हुए येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। संबंधित जिलों में DM को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 19 से 22 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के माने तो आज यूपी की राजधानी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। इसके अलावा बिहार के मौसम ने करवट बदल ली है। बिहार के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। इसके अलावा देश के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भागों के दिन में तापमान और रात के समय तापमान में और वृद्धि होने से मौसम विभाग ने संभावना जताई है। बता दें कि एक दिन पहले सौराष्ट्र और कच्छ के आंतरिक भागों और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। आज भी इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि की संभावना। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।